हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपने इलेक्ट्रिक इंडिया EV28। और आज मेरे साथ फिर से है रिम्पी भैया, सरदार जी नंबर वन। तो आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। नॉर्मल जैसे हम बताते हैं कि भैया हम रिक्शा नहीं बेचेंगे, ई रिक्शा नहीं बेचेंगे, आपको ई रिक्शा चलाने की तरकीब बताएंगे, फीचर्स बताएंगे। हम ये नहीं बताएंगे आपको कि भाई 350 में आपको ई रिक्शा मिल रहा है प्रतिदिन किस्त पे। हम ये नहीं बताएंगे कि 5,500 रुपए आप दे के अभी रिक्शा लेके जा सकते हो। सरदार जी नंबर ये चीज है, लेकिन ये बताएंगे नहीं हम आपको। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि पुराने रिक्शे लाओ, पुराने कोई भी गाड़ी लाओ और नई रिक्शा लेके जाओ, ये चीज नहीं बताएंगे। तो हम क्या बताने वाले हैं, अगर वो आपको जानना है तो पूरी वीडियो देख के जरूर जाना। तो सर आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज का टॉपिक रहेगा, आपको पता है दिल्ली सरकार की ड्राइव चल रही है जिसके अंदर अनऑथराइज गाड़ीज, अनऑथराइज जो ड्राइवर्स हैं जिनके पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, अनऑथराइज गाड़ी जो जिनके पास गाड़ी का आईकैट अप्रूव नहीं है, जिनके पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, पासिंग नहीं है, फिटनेस नहीं है, और जो गाड़ियां अराउंड 10-10, 15-15 साल पुरानी हो चुकी है, रोड पे चल रही हैं, उनको बंद करने के लिए गवर्नमेंट की ड्राइव चल रही है, उसके ऊपर हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको एक पहले वीडियो बनाई थी, ये रिक्शा क्या है, रिक्शा बंद होने वाला है, तो उसके और डिटेलिंग करते हैं भैया, बताएंगे कि ये रिक्शा बंद होने से कैसे बचा सकते हो और कौन किस टाइप के रिक्शे बंद हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात बिल्कुल, सबसे पहले एक तो कॉन्सेप्ट सबको माइंड क्लियर कर दे, मार्केट में बहुत अफवाह चल रही है फेसबुक के थ्रू भी, हम किसी स्पेशल पर्सन का नाम नहीं लेंगे, कई चैनल्स इसको बहुत वायरल कर रहे हैं कि बंद हो रहे हैं, कुछ बंद नहीं हो रहा है, बहुत क्लियर गाइडेंस है, LGD की गाइडेंस आप पढ़ सकते हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की गाइडेंस पढ़ सकते हो, कहीं कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि इलेक्ट्रिक ई रिक्शा बंद हो रहे हैं, ये कभी बंद नहीं होने वाले, इवन ये बढ़ेंगे क्योंकि पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए इनको लाया गया था, इनको रिप्लेस किया गया था पेट्रोल व्हीकल वगैरह से, तो ये अभी चलेंगे, अभी ये कॉन्सेप्ट बहुत लॉन्ग है और कभी भी बंद होने वाला नहीं है, इस चीज को पहले लोग क्लियर कर लेकिन स्क्रैप होंगे कौन से होंगे उसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों आपके लिए क्या, आपके जितने भी सवाल मैंने वीडियो बनाए थे उसके आपने बहुत सारे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछे थे, वो सारे सवाल के मैं लिस्ट लेके आया हूँ, देखो लिस्ट है यहाँ पर, इस सारे सवाल की लिस्ट, क्योंकि एक डीलर होता है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है एक ड्राइवर से, कस्टमर से, तो डीलर को जितना पता होता है उतना किसी भी मैन्युफैक्चरर या किसी भी बंदे को नहीं पता होता है, तो इसलिए हम सर से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते। सबसे पहला सबसे पहले तो यही था कि भाई रिक्शा रिस्ट्रिक्शन जो आ रहा है, जो बंद हो रही है, रिक्शा क्यों हो रहा है, तो उसका जवाब दे चुके हैं। रिक्शा जो बंद हो रहा है वो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है, जब गाड़ी लॉन्च करी गई थी ये उसी टाइम अपडेट हो चुका था कि किस बेस के ऊपर रिक्शा रजिस्टर्ड होगा, कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, उसकी लाइफ पीरियड क्या होगी, उसको कितने टाइम के लिए फिटनेस किया जाएगा। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, हर गाड़ी की फिटनेस 2 साल की है, 2 साल में आपकी जो डेट है जिस डेट पे आपने गाड़ी परचेज करी है उसके रजिस्ट्रेशन डेट के 2 साल के अंदर आपको दोबारा थोटी जाना है, गाड़ी को चेकअप कराना है, जिसके अंदर आपकी ब्रेक्स, लाइट्स, हॉर्न, कलर, जंग लगा हुआ है, कोई चीज टूटी हुई है, दबी हुई है, आपकी गाड़ी वर्किंग कंडीशन में है, उसको चेकआउट कराया जाता है। इसको स्पेसिफिक करिए कि क्या क्या चेक होता है। देखिए उसके अंदर मेजर जो है, एक तो उसका गाड़ी के ऊपर कोई चलान नहीं होना चाहिए, सबसे पहले अगर आप गाड़ी का फिटनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर गाड़ी पे कोई चलान नहीं होना चाहिए, गाड़ी के ऊपर कोई एक्सीडेंटल केस नहीं होना चाहिए, ड्राइवर जो है जो उसका ऑनर है उसके ऊपर कोई केस नहीं, जो पीरियड है जिस पीरियड में उसने गाड़ी परचेज करी थी उस टाइम तो नहीं था, बट अब 2 साल के बाद आ रहा है तो उस समय क्या कंडीशन है उसको भी चेकआउट किया जाता है। उसके बाद गाड़ी को देखा जाता है, गाड़ी के जैसे मेन हेडलाइट्स है, इंडिकेटर्स है, हॉर्न है, ब्रेक है, ये फॉग लाइट्स है, जो भी लाइट्स और फीचर्स है, बेसिक वो बेसिक फीचर था, वो ऊपर को लाइट और ब्रेक मेन चेक, लाइट ब्रेक और गाड़ी को भी चेक किया जाता है, जैसे कई बार चेसी एक्सीडेंटल हो रखी है, गाड़ी की चेसी बैंड हो सकती है, तो ऐसी टूटी हुई है, टूटी हुई गाड़ी कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसकी तो जान को खतरा हो सकता है। मतलब इसका ओवरऑल देखा जाए तो पहले जब नई नई खरीदते हैं तो आप 2 साल की होती है, उसके बाद 1-1 साल की होती है जी, उस पीरियड में आपको इंश्योरेंस करवा के लेके जानी होती है गाड़ी, जो ये कमी पेशी है सब दूर करके लेके जानी होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो इम्प्लॉइज है उसको चेकआउट करते हैं, अफसर उसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, RTO डिपार्टमेंट, वो उसको रीचेक करता है, फिर आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देता है और उस दौरान आपका जो गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं वो पेड करना है। ई रिक्शा जो है वो क्या रहे पहले, मतलब शायद पहले भी रूल था आप बता रहे थे कि जिसके नाम पे रिक्शा वही चलाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब दिल्ली सरकार ने इनको कमर्शलाइजेशन करा था तो इनके साथ में एक बैच सिस्टम अलाउड किया था, लोगों को मालूम भी है, आपको भी पता होगा, RTO डिपार्टमेंट ने अपडेट भी है, बैच कंपल्सरी है, बैच किसका होता है, जो ऑनर होता है, बैच के बेस पे ही आज की डेट में दिल्ली गवर्नमेंट का रूल है कि आप गाड़ी खरीदने जाओगे तो विदाउट बैच आप गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं करा सकते या परचेज नहीं कर सकते। अगर आज आप हमारे शोरूम पे आते हैं गाड़ी खरीदने के लिए तो मैं सबसे पहले आपसे क्या डॉक्यूमेंट मांगता हूँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका DN एंड विद बैच। जब तक आप ये 4 डॉक्यूमेंट नहीं देंगे मैं आपको गाड़ी सेल आउट नहीं कर सकता। अच्छा आप ऐसे नहीं है घर से उठ के आ गए सर ये लो पैन कार्ड आधार कार्ड मुझे गाड़ी दे दो, नहीं दे सकते।
आपका डीएल और बैच होना जरूरी है। डीएल और बैच उसी का होता है जिसके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड होती है। अच्छा, डीएल की बात करी है तो डीएल का मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डीएल का रिन्यू कैसे होता है? मतलब डीएल रिन्यू बहुत इजीली है आपको, आप जैसे आपको एक नया, आपने आज फर्स्ट टाइम नया डीएल बनवाया तो गवर्नमेंट आपको 5 साल या 10 साल अकॉर्डिंग योर एज, अगर 18 साल का या 20 साल का बंदा है रिन्यूअल कराने नया लेने जा रहा है तो उसको 10 साल का टाइम पीरियड दिया जाएगा। एक 50 साल 55 साल का बंदा जा रहा है तो उसको 5 साल का टाइम दिया जाएगा। उस पीरियड के बाद जब आपको वो पीरियड खत्म होने वाला था, पहली बात तो ये गवर्नमेंट कहती है विद इन 1 मंथ पहले आप आइए उसको रिन्यूअल कराइए, जैसे खत्म होने से एक महीना पहले अगर आप उसको रिन्यूअल करा सकते हैं। उस समय मुश्किल से हमारा 200-500 रुपए नॉर्मल एक गवर्नमेंट रोड परमिट फीस है, वो आरटीओ फीस है, वो लगकर वो रिन्यूअल हो जाता है। अब आप कई लोग मैक्सिमम हमने लोगों को देखता है जो आज की डेट में हमारे पास प्रॉब्लम्स भी आ रही है, लोग होगी जो गाड़ियां जब्त भी हुई है रोड पे, जो भी है मैक्सिमम लोगों के पास डीएल जो है 5-5 साल 3-3 साल हो गए वो रिन्यूअल ही मतलब नहीं, एक बार बनवा लिया फिर दोबारा गए ही नहीं, गए उनको मैसेज आ रहे हैं गवर्नमेंट अलर्ट आ रहे हैं इसके, तो वो चीज बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब वो लोग जो रिन्यूअल कराना चाहिए वो भी करा सकते हैं, कोई ऐसे बहुत अड़न नहीं है, बट आपको उसके लिए रीटेस्ट बुक करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट के उसके नॉन्स है उसमें आपकी दोबारा सीवीआर होती है, पुलिस इंक्वायरी जिसको हम कहते हैं और बैच की इंक्वायरी होती है, वो होकर फिर आप दोबारा उसको रिन्यूअल के लिए जा सकते हैं। उसमें जो भी गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं या जो भी कुछ पेनल्टी आती है वो पेड करके आप इजीली रिन्यूअल करा सकते हैं। बहुत हार्ड एंड शॉर्ट होने की जरूरत नहीं कि कुछ नहीं हो सकता, बहुत इजीली आप हम लोगों से भी कॉन्टैक्ट करके चेक करवा सकते हैं, हमारे पास टीम अभी बने इसके लिए। अच्छा, एक चीज जैसे कि एक छोटा सा, आजकल औरतें जब चलाते हैं वो कपड़े पहन के चलाते हैं, उनका एक प्रॉपर स्पेसिफिक ड्रेस होती है, वो ड्रेस ई रिक्शा के लिए वाली है। सर ये आ सकता है कॉन्सेप्ट, ये कई बार सुना भी गया है, कई बार डिपार्टमेंट की तरफ से गया है, पर अभी इसको बहुत स्टेकेबल या ऑन कंपल्सरी नहीं किया, कंपल्सरी नहीं करा गया है। बट जब ये बैच सिस्टम आया था तो बैच सिस्टम में मेंशन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ऑटोज या नॉर्मल हमारे सीएनजी वाले ऑटोज होते थे उनके अंदर ये चीज कंपल्सरी नहीं है कि उनको एक प्रॉपर ड्रेस कोड रहता है, वो ड्रेस कोड पहनना है क्योंकि उससे पता चलता है कि ड्राइवर कौन है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी आ सकता है, आ जाए कोई इसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने हम जो भी बात कर रहे थे बैच सिस्टम उसी से कनेक्टेड है, कनेक्टेड बैच जो ऑनर होगा वही अपनी गाड़ी को ड्राइव करेगा और वो अपनी सेम पैसिव ड्रेस आउट पहनेगा जिससे पता चल सके कि ड्राइवर कौन है गाड़ी का। बिल्कुल सर, अब बताइए कि बिल्कुल स्पेसिफिक हम ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, कौन सी गाड़ी कैटेगरी होती है स्क्रैप होने के लिए? जो गवर्नमेंट अभी स्क्रैप कर रही है बेसिकली हम बात कर रहे थे वो गाड़ियां स्क्रैप कर रही है जिनकी फिटनेस नहीं है, जिनकी पासिंग नहीं है, जिनके पास डीएल प्रॉपर नहीं है, जो डॉग एज वेल रूल जो गवर्नमेंट के रूल्स है आरटीओ गवर्नमेंट के दिल्ली गवर्नमेंट के रूल्स है उनको फुलफिल नहीं करती, उनको वो स्क्रैप कर रहे हैं। और मैक्सिमम आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर, बहुत बड़ी बात हम कहना नहीं चाहिए पर अराउंड 60-70% गाड़ी ऐसी है जो अनऑथराइज्ड, सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ी और ऑथराइज गाड़ी मुश्किल से 40%। अभी मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल में देख रहा था, उसमें क्या था, दिल्ली में 1,20,000 ई रिक्शा सिर्फ रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड, और ये समझिए 1,20,000 ही रजिस्टर्ड है लेकिन चल कितने रहे, 3 से 4 लाख 3 से 4 लाख तो उसके ऊपर जितने भी रिक्शे सारे अनऑथराइज रिक्शे हैं। अब देखिए इसके अंदर एक ना और पॉइंट है, अगर हम उस चीज को समझना चाहें, जो अनऑथराइज रिक्शा चला रहा है सबसे ज्यादा आपने सुना होगा रिक्शे वाले से क्राइम होता है, रिक्शा आजकल क्राइम में यूज हो रहा है, वो कौन कर रहा है अनऑथराइज, क्योंकि अनऑथराइज गाड़ी पे कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है ना कोई ट्रैकिंग है, आजकल गवर्नमेंट डाल देता कैमराज लगा दिए ट्रैक ही नहीं हो पाती गाड़ी, बिल्कुल जब ट्रैक नहीं होगी तो उसको कैसे पता चलेगा। आप देखो रिन्यूअल नहीं मिल रहा गवर्नमेंट को उसके ऊपर, कोई एक्सीडेंट हो रहा है उस गाड़ी से या उस गाड़ी के दौरान उसको भी कोई रिन्यूअल मिल रहा है, और आपने किसी सुना होगा गाड़ी के कारण किसी को डेथ हो गई या किसी को आग लग गई, कॉन्सेप्ट हो चुके हैं तो वो अनऑथराइज गाड़ी में कुछ भी नहीं होगा, ऑथराइज गाड़ी है जिसमें सब कुछ है तो ये गाड़ी का बेनिफिट क्या है ऑथराइज गाड़ी का, आपको हमने प्रीवियस वीडियोस में अपने एक दो बार बोला है कि हम 10 लाख का इंश्योरेंस हर ड्राइवर को ही देते हैं, अगर आपको दे दूंगा 2 से 3 ड्राइवर भगवान करे कभी किसी के घर में डेथ ना हो इस कैब की और उनको 10-10 लाख रुपए मिले हैं मिले हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो तो प्लीज अपना जो सारी चीजें हैं डीएल हो गया रजिस्ट्रेशन हो गया। अच्छा मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर आप जो पुराने रिक्शा को पता होगा 2012 में ये रिक्शा बंद हो गया था, क्यों बंद हुआ था, नंबर प्लेट ना होने के वजह से, ऑथराइजेशन ना होने के वजह से, वो चीज आप दोबारा कर रहे हैं, दोबारा चाह रहे हैं कि आपका ये रिक्शा बंद हो, तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं है, रेडलेस फन हो पासिंग मत कराओ, जो फालतू सारी फालतू चीजें करो रिक्शा बंद करवाओ स्क्रैप करवाओ, क्योंकि आप ही की वजह से क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए थे लेकिन आप माने नहीं, तो अब एट द एंड स्क्रैप करने का ही लास्ट ऑप्शन बचता है गवर्नमेंट के पास। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी रिक्शा स्क्रैप हो तो बिल्कुल आपको ये सारी चीजें करनी है। अच्छा सर, हम बात करते हैं
सज्जन सेल्स पे आके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या फायदा मिलेगा? सर देखिए, आप गाड़ी परचेज करने आते हैं, सबसे इजीली और स्मूथेबल बिजनेस है, फैक्ट्री आउटलेट है, फैक्ट्री रेट पे गाड़ी मिलेगी, किसी डीलर एंड के ऊपर के ऑफर वर्कआउट नहीं है, थर्ड पार्टी वर्क नहीं करते, कंपनी का अपना फैक्ट्री आउटलेट होने के कारण आपको बहुत लिमिटेड डॉक्यूमेंट और बहुत अच्छी सर्विस ऑन सोर्स। जैसे हम बात करते हुए मैंने आपको दो बार बोला, जैसे आपका डीएल रिन्यूअल का इशू है, आपका गाड़ी का फिटनेस, वी आर गिविंग द ऑल हेल्प, सोल्यूशन, सारी काम हम करवा के दे रहे हैं जो आपने हमसे ले रखे हैं। अदर वो तो ये भी है तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसे नई गाड़ी परचेस करना चाहते हैं तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईएमआई के लिए चेक, एक गारंटर, गारंटर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली का बिल। अगर आपके पास ई रिक्शा का ड्राइविंग लाइसेंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप डॉक्यूमेंट लेकर आइए, हम हेल्प करेंगे, हमारे पास टीम है वो आपको पूरा हेल्प करेगी डीएल बनवाने में। और पूरी गाड़ी विद रजिस्ट्रेशन विद नंबर प्लेट ऑन रोड आपको मिलेगी, जब तक डीएल और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा गाड़ी ऑन रोड नहीं आएगी, विद वारंटी मिलेगी, विद सर्विसेज मिलेगी। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी हो, आप हमारे नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, चैट करो, सबसे ज्यादा बेस्ट होता है व्हाट्सअप चैट करना, कॉलिंग करोगे थोड़ा हमारे लिए भी अनकंफर्टेबल होता है सबको आंसर करना, आप चैट करो हमसे व्हाट्सअप पे, हमारे लिए इजीली कंफर्ट। जो वीडियो के नीचे नंबर आ रहा है उस पे आपने व्हाट्सअप करना है, कॉल कितने सारे लोग होते हैं, कॉल करना मुश्किल होता है, तो आपको सिर्फ सिर्फ व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, ठीक है? तो आप कॉल करके पता कर सकते हो, मैसेज करके पता कर सकते हो क्या क्या आपको सरदार जी नंबर वन सज्जन सेल्स पे आपको क्या मिलने वाला है। अच्छा, डिटेलिंग हो गई, सारी चीज हो गई, ये जितना भी हमने बताया, जितना भी पासिंग का बताया हमने, जो भी रूल बताया, ये सारा दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली दिल्ली, ये सारी चीजें दिल्ली में है, ठीक है? दिल्ली से बाहर भाई अगर आपको जैसे चलाना चलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जितने भी रूल आते हैं ना, चाहे वो दिल्ली में आए चाहे कहीं भी, जैसे आजकल मैं बात करूँ हेलमेट जो है दिल्ली में क्या है कि वो दोनों तो पीछे वाला आगे वाला दोनों हेलमेट लगा पहन के चलाएंगे, यूपी में नहीं होता इतना है रूल वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पर इतना फॉलो नहीं होता, लेकिन वो आपका नुकसान है अगर आप हेलमेट लगा के नहीं जाएंगे, आपका नुकसान है। तो रूल चाहे कहीं के भी हो, फॉलो आपको करनी है, फॉलो नहीं करोगे नुकसान आपका है, किसी दूसरे तीसरे बंदे का नुकसान नहीं है। मान लीजिए नीचे चलाते, और अच्छा एक और चीज़ हम मेंशन करना भूल गए, दिल्ली में मैंने बाहर भी होगा लेकिन दिल्ली में मैं जान रहा हूँ कि कोई इलीगल मैन्युफैक्चर है, इलीगल ई रिक्शे आपने सुने हैं, इलीगल मैन्युफैक्चर मैंने देखे हैं जो क्या करते हैं, तीन टवाड़ इकट्ठा करते हैं, कंट्रोल मोटर इकट्ठा करते हैं, बना देते हैं आपका ई रिक्शा जिसका आपको कुछ भी क्लेम नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, प्लस सरदार जी नंबर वन सज्जन सेल्स एड्रेस वीडियो के नीचे आ रहा है, लोकेशन वीडियो के नीचे आ रही है, नंबर आ रहा है, नंबर पे व्हाट्सअप करें, ई रिक्शा लेके जाओ, पूरे दिल्ली में कहीं से भी आपको आना है यहाँ पे आके आप ई रिक्शा ले सकते हो। सिर्फ देखिए यहाँ डाउन पेमेंट देख रहे हैं आप, 11,000 से 35,000 तक आपको डाउन पेमेंट से रिक्शा मिल जाएगा, ये 11,000 से भी कम, 5,500 में भी रिक्शा आपको डाउन पेमेंट पे मिल जाएगा, ठीक है? ये लिखा जरूर है लेकिन वीडियो देख के आने पे आपको ये 5,500 का जो डिस्काउंट, 5,500 की डाउन पेमेंट है ये भी आपको मिल जाएगी मेरे कहने पे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं फायदे मेरी रिक्शा, वो सबसे बता रही है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सज्जन सेल्स से सरदार जी नंबर वन पे रिक्शा लेने के लिए वीडियो के नीचे नंबर और इस पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।